आम आदमी पार्टी में बगावत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को पार्टी की पीएसी से निकालने के विरोध में पहले मयंक गांधी ने सवाल उठाए और अब राजस्थान इकाई के सचिव राकेश पारिक ने भी बागी रुख अपना लिया है। आम आदमी पार्टी की पीएसी से योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को हटाने के बाद उठा बवाल अभी थमा नहीं है। हर दिन कहीं न कहीं से योगेंद्र यादव और प्रशांत के समर्थन और केजरीवाल के विरोध की आवाज उठ रही है। ताजा मामला आम आदमी पार्टी की राजस्थान यूनिट के सचिव राकेश पारिक का है। राकेश पारिक ने आपके वरिष्ठ नेताओं पर आरोप लगाया है कि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को हटाने की पटकथा पहले से तय थी। राकेश पारिक के मुताबिक उन्होंने ये सुझाव रखा था कि अगर योगेंद्र और प्रशांत ने कुछ गलत किया है तो मामले की जांच के बाद ही कार्रवाई की जाए, लेकिन उन्हें अपनी बात कहने का मौका ही नहीं दिया गया। राकेश का आरोप है कि पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता ने उन्हें कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने से ही रोक दिया। 26 फरवरी को जो हमारी मीटिंग हुई थी दिल्ली में नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग में, उसके लिए मुझे हमारे संयोजक ने ऑथोराइज करके भेजा था कि आप राजस्थान की ओर से वहाँ रिप्रेजेंट करिए। तो वहाँ मीटिंग जाने के बाद में पंकज जी जो हमारे सेक्रेटरी है नेशनल सेक्रेटरी, उन्होंने मुझसे कहा कि आप राकेश जी आज नहीं रहे मीटिंग में, और उन्होंने मुझे गुड फेथ में कहा कि आप ना रहे तो अच्छा है, कुछ ऐसी चर्चा हो सकती है कि आप उसमें ना रहे तो अच्छा रहेगा। तो मैं उस मीटिंग में वहाँ गया था दिल्ली, लेकिन फिर मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया। आपको बता दें कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में योगेंद्र यादव और प्रशांत को बाहर करने के प्रस्ताव के पक्ष में 11 और विरोध में 8 वोट पड़े थे। योगेंद्र यादव और प्रशांत को बाहर करने के फैसले के खिलाफ आपके वरिष्ठ नेता मयंक गांधी ने आवाज उठाते हुए ब्लॉग भी लिखा था। योगेंद्र यादव ने उस ब्लॉग का समर्थन भी किया था। हालांकि राकेश पारिक के आरोपों पर उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। होली का दिन है, थोड़ा सा आप लोग भी रेस्ट कीजिए। होली का दिन है, सब चीजों को मैं किसी राजनीति पे आज कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। होली का दिन है, मजे से रहिए, भुलाइए चीजों को, आगे बढ़िए। इस ताजा घमासान पर प्रशांत से कुछ उम्मीद थी, पर वो भी सवाल को टाल गए। सर आप लंबा जा रहे कहीं? जस्ट प्रशांत सर, सो मच इज हैपनिंग, एनीथिंग दैट यू वांट टू। दरअसल आम आदमी पार्टी की पीएसी से जिस तरह प्रशांत और योगेंद्र यादव को हटाया गया है, उसे आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ता ठीक नहीं मान रहे। केजरीवाल समर्थक और केजरीवाल विरोधी के तौर पर बंट चुके आम आदमी पार्टी के दोनों गुटों का आमना सामना एक बार फिर 28 मार्च को होगा, जब पार्टी की नेशनल काउंसिल की बैठक होगी। देखिए, हमारी जो मोस्ट पावरफुल बॉडी है आम आदमी पार्टी की, वो नेशनल काउंसिल होती है, राष्ट्रीय परिषद, जिसमें सभी जिलों के प्रतिनिधि होते हैं और फाउंडर मेंबर्स होते हैं, और वो मीटिंग 28 मार्च को प्रस्तावित है। 28-29 मार्च की मीटिंग है वो, और उस मीटिंग में निश्चित ये बात पर भी चर्चा होगी और सब कुछ बाहर आएगा। खुद को लोकतांत्रिक पार्टी बताने वाली आम आदमी पार्टी के चाल चरित्र और चेहरे के कई रूप पिछले कुछ दिनों में देखने को मिले हैं। अब देखना है कि नेशनल काउंसिल की बैठक में क्या होता है। बड़ा सवाल ये है कि क्या नेशनल काउंसिल की बैठक में भी केजरीवाल की ही चलेगी